नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जहां नव निर्मित राम मंदिर की 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक महीने बाद 25 किलोग्राम सोने और चांदी के आभूषण सहित लगभग 25 करोड़ रुपए का दान मिला है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 25 करोड़ रुपए की राशि में चेक, ड्राफ्ट और मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में जमा की गई नकदी के साथ साथ दान पेटियों में जमा राशि भी शामिल है। हालांकि हमें ट्रस्ट के बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए धन के बारे में जानकारी नहीं है। मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी ने कहा कि 23 जनवरी से अब तक लगभग 60 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। राम भक्तों की भक्ति ऐसी है कि वो रामलला के लिए चांदी और सोने से बनी वस्तुएं दान कर रहे हैं, जिनका उपयोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भक्तों की भक्ति को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट सोने और चांदी से बनी सामग्री, आभूषण, बर्तन और दान स्वीकार कर रहा है। मंदिर ट्रस्ट को रामनवमी उत्सव के दौरान दान में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि उस समय लगभग 50 लाख भक्तों के अयोध्या आने की संभावना है। उम्मीद है कि रामनवमी के दौरान चंदे के रूप में बड़ी मात्रा में नकदी मिल सकती है, जिसके मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने राम जन्मभूमि पर 4 स्वचालित गणना मशीनें लगाई हैं। ट्रस्ट ने रसीदें जारी करने के लिए 1 दर्जन कंप्यूटरीकृत काउंटर बनाए हैं और राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में अतिरिक्त दान पेटियां भी रखी हैं। इसके साथ ही राम मंदिर में जल्द ही एक बड़ा और सुसज्जित गणना कक्ष बनाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अगले हफ्ते तक हो सकती है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी की 14 सीटों पर प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 80 में से 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें से उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ में तो जीत हासिल की, लेकिन गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज और जौनपुर में अभी भी बीजेपी के सांसद हैं। वहीं मैनपुरी, मुरादाबाद और संभल में सपा के सांसद हैं, जबकि रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इन 14 सीटों पर जीत भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से रायबरेली और मैनपुरी ही मात्र ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ बीजेपी कभी नहीं जीती है, जबकि शेष 12 सीटों पर पहले बीजेपी जीत चुकी है। वहीं पीएम मोदी 26 फरवरी को अमृत स्टेशन योजना के तहत पूर्वोत्तर रेलवे के गोमती नगर स्टेशन का लोकार्पण और 31 स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 111 ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान कुल 143 परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री NER को देंगे। जिन स्टेशनों का शिलान्यास होना है उनमें गोरखपुर क्षेत्र के सिद्धार्थनगर, स्वामीनारायण छपिया, खलीलाबाद, आनंद नगर जंक्शन, सलीमपुर जंक्शन, बढ़नी स्टेशन को 15.05 करोड़, रामघाट हॉल्ट को 8.02 करोड़, सिद्धार्थनगर को 11.18 करोड़, स्वामीनारायण छपिया को 12.13 करोड़, खलीलाबाद को 9.92 करोड़, आनंद नगर को 10.28 करोड़, सलीमपुर को 15.12 करोड़, भटनी को 42.62 करोड़ और कप्तानगंज जंक्शन को 20.73 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 26 फरवरी को कानपुर दौरे पर पहुंच सकते हैं, जिसे लेकर कानपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि अभी सीएम के आने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावित दौरे को लेकर अधिकारी अलर्ट पर हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कानपुर में करीब 200 हेक्टेयर जमीन पर बने डिफेंस कॉरिडोर का काम भी पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होना है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति को और मजबूत करने में लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए यूपी की मस्जिदों और मदरसों में भी चुनाव प्रचार करने का ऐलान किया है। रणनीति के हिसाब से इन जगहों पर अब उर्दू और अरबी भाषा में प्रचार किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे को खास जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि बीजेपी अब उर्दू और अरबी भाषा में चुनाव प्रचार करेगी, जिसके लिए प्रदेश भर के मस्जिदों, मदरसों के आसपास उर्दू
और अरबी भाषा में बीजेपी के प्रचार अभियान किए जाएंगे। इन इलाकों में उर्दू में फिर एक बार मोदी सरकार के पोस्टर लगाए जाएंगे और मुस्लिम समाज के बीच उर्दू साहित्य बांटा जाएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से सपा शासन में मेरिट के आधार पर पुलिस भर्ती हुई थी, उसी तरह से इस सरकार को भी ये भर्ती करनी चाहिए। उस समय की नियमावली अभी भी विभाग में मौजूद है, जिसके आधार पर 2-3 माह में ही ये परीक्षा कराई जा सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नियत नौकरी देने की ही नहीं है। उन्होंने कहा कि दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपए की फीस ले लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त करने का नाटक करना, युवा अगले चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराएंगे और हमेशा के लिए हटाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। हाल ही में जो परीक्षा हुई और जिसको लेकर के पूरे प्रदेश के छात्र आंदोलित हो गए, जो मुख्य धारा का मीडिया है उसमें बाद में खबरें आईं, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार खबरें चलती रहीं। दोनों दिन की परीक्षाओं के किस तरह पेपर लीक हुआ है उसकी खबरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर रहीं। मैं जहां भी गया क्षेत्र में, वहां पर मुझे छात्र नौजवान मिले, उन्होंने यही मांग की थी कि एग्जाम दोबारा किए जाएं। परीक्षा जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम में होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। मैं आगरा उतरा, आगरा में मुझे बड़े पैमाने पर छात्र मिले, आगरा से मैं जलेसर गया, वहां पर छात्र मिले मुझे। हर गांव से बच्चे निकल करके आए और उनके हाथ में तख्ती थी या कागज पे लिखे हुए थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मैं मुरादाबाद गया, मुझे मुरादाबाद में मिले। मुजफ्फरनगर में गया तो मुजफ्फरनगर में मिले मुझे। केवल सरकार की ये परीक्षा नहीं, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पेपर लीक हुए हैं। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जानते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी रोजगार मिल जाने से उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लगातार सरकार की ये कोशिश रही है कि नौकरी नौजवान को न मिले, केवल उसका प्रचार करें। एक लंबी सूची है, अगर हम वो सूची भी देखें कि पेपर कितने लीक हुए हैं यहां पर। ये पुलिस भर्ती जहां 60 लाख के लगभग बच्चों ने परीक्षा दी थी, ये पूरे प्रदेश में आंदोलित हो गए। इलाहाबाद में आपने देखा होगा एआरओ आरओ की परीक्षा को लेकर के छात्र नौजवान लोक सेवा आयोग के सामने बैठ गए, धरना दिया उन्होंने। पुलिस की मनमानी थी, हर तरफ बैरिकेडिंग थी, उसके बाद भी छात्र नौजवान वहां पहुंच गए। उन बच्चों की भी यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो, दोबारा एग्जाम हो। आखिरकार सरकार ये कर क्यों रही है? बच्चों से फॉर्म के पैसे जमा करा लेना, अपने लोगों को खुश करने के लिए वो सेंटर्स बना देना, ये सरकार की तैयारी रहती है कि अपने लोगों को ऑब्लाइज कर देना। और इसी खेल में सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं, और कोई पहली बार पेपर लीक नहीं है। 2017 में दरोगा भर्ती लीक हुई पेपर उसका, 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ, यूपीएसएससी का लोअर सबर्डिनेट उसका पेपर लीक हुआ, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस का पेपर आउट हुआ, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हुआ, इनके यूपी टीटी का
फॉरेस्ट गार्ड का, टीजीटी पीजीटी में धांधली हुई वो आरोप लगे, लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ, और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जाने कितनी बड़ी नौकरी होने जा, कितनी बड़ी परीक्षा होने जा रही है और सब इंतजाम है, सब तैयारी है, केवल पेपर लीक का खेल नहीं है। पेपर लीक के खेल के साथ साथ किस से जांच करानी ये भी खेल है, जांच कौन करेगा ये भी खेल चल रहा है। और वो सरकार जो कहती रही कि जीरो टॉलरेंस करप्शन में, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में, इतने पेपर लीक हो जाने के बाद जीरो टॉलरेंस क्या जीरो नहीं हो गई? जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई। और नौजवान बड़े पैमाने पे निराश है, उसके सपनों को तोड़ा है, वो जो तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया, और निराशा है उसके अंदर। जो उसका सपना था वर्दी पहनने का, वो वर्दी पहनने का छीन लिया। केवल पुलिस भर्ती नहीं, अगर हम और भर्तियां भी देखें जो सेंट्रल की होनी थी, उसमें भी भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है और देश के साथ हो रहा है। यहां बहुत सारे साथी होंगे, उनकी जानकारी होगी कि एक साल में बड़े पैमाने पर फौज की भर्ती हुआ करती थी, पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती हुआ करती थी, अग्निवीर जैसी टेम्परेरी भर्ती कभी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। मजबूरी में जरूर जा रहा है वो, लेकिन नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। उसका सपना होता है कि वर्दी पहने और देश की सीमा पर रक्षा में खड़ा हो जाए, जा करके देश की रक्षा करे वर्दी पहन करके। और अग्निवीर भी जानबूझ करके बीजेपी ने सोच समझ करके पूरा डेटा को एनालाइज करके कि इसमें कहां के बच्चे नौकरी पाते हैं। यूपी में हाल ही में हुए पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में लाखों शिक्षित बेरोजगार उम्मीदवारों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। राजधानी लखनऊ और संगम नगरी प्रयागराज के बाद अब विरोध के सुर रामनगरी अयोध्या से भी उठने लगे हैं। हमारी संवाददाता ज्योति जायसवाल ने ऐसे ही पीड़ित अभ्यर्थियों से उनके भविष्य को लेकर सीधी बात की, तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अभ्यर्थियों ने। 5 से 6 सालों का इंतजार उन छात्र छात्राओं के जो अपने घर छोड़ के दूर दराज कोचिंग से अपना पढ़ाई करते हैं और परिवार को छोड़कर बाहर रहते हैं। यूपी पुलिस का फॉर्म जो है 5 से 6 साल के बाद इसकी वैकेंसी आई थी और बहुत बड़ी उम्मीद से स्टूडेंट्स ने इसके फॉर्म भी भरे थे, लेकिन इसके पेपर भी लीक हुए। 17 से 18 तारीख में पेपर होने थे। पेपर लीक होने के बाद लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके नाते पेपर जो है वो टाल दिया गया। और एक्स पर सीएम योगी ने ये भी बात कही कि 6 महीने के भीतर भीतर हम फिर से एग्जाम करवाएंगे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे वो किस तरह से इसको देख रहे हैं और आखिर क्या वो इस जो इनकी जो ये तैयारी थी इसको जारी रखेंगे या फिर 6 महीने का जो योगी का एक आश्वासन दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर पेपर कराया जाएगा, तो ऐसे में ये इसको किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम नाम है मेरा। शुभम नाम है, कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। अयोध्या का? आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था? जी। फॉर्म आपने भरा, पेपर लीक हो गया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और 6 महीने का टाइम भी दिया गया है, तो इसको कैसे? ये छात्रों के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग के घर वाले हम बहुत आस लगाए रहते हैं। 5 साल 6 साल से हम लोगों को पढ़ते हो गया, 24 साल 25 साल की उम्र होने को है, मेहनत किए, 6-6, 7-7 महीने 8-8, 10-10 घंटे हम लोग जग जग कर किसी तरह पढ़े और पेपर लीक हो गया। पेपर इस तरह लीक हुआ, अगर छात्र इतना संघर्ष न करते तो ये लोग मानने को आयोग ने तुरंत ही कह दिया था कि लीक नहीं हुआ है, निष्पक्ष परीक्षा हुई है, लेकिन छात्रों के संघर्ष की वजह से यार रद्द करना पड़ा। अब रद्द करने के बाद 6 महीने बाद फिर होगा, क्या गारंटी है कि फिर नहीं लीक हो गई? भाई फिर से हो सकता है, जैसे अभी हुआ वैसे फिर होगा। तो फिर क्या नाम है आपका? महेश यादव। कहाँ से है आप? यही अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं। कह रहे हैं कि हम लोगों ने संघर्ष किया तो पेपर लीक हुआ, वो तो मानने को भी तैयार नहीं था। संघर्ष हम लोगों ने किया, पेपर रद्द हो, लीक होने के लिए कैसे संघर्ष किया? रद्द होने के लिए आपने संघर्ष किया? हाँ, रद्द होने के लिए। थोड़ा सा गलत, आपने पेपर रद्द होने के लिए संघर्ष किया, एक लंबा संघर्ष किया, 6 महीने का समय सीएम योगी ने दिया है, क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, कोई 6 महीने और इंतजार करें, फिर उसके बाद क्या गारंटी रहेगी कि 6 महीने में भर्ती कब फाइनल होगी, चुनाव भी हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट अटका दे। इसका पूरा शेड्यूल जारी कर देना, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इस दिन परीक्षा होगा, ये कोई तरीका है? 6 महीने के अंदर हम परीक्षा करा लेंगे,
ये तो गलत बात हुई ना, पूरा शेड्यूल बना कर दें भाई, इस तारीख को आपके पेपर होगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद इस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, रनिंग होगी, सबकी डेट फिक्स होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं, 6 महीने साल भीतर हम करा देंगे। अच्छा, क्या आप इसको चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं? नहीं नहीं, चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ने मतलब बना दिया चुनाव का मुद्दा। क्या करेंगे, 6 महीने का टाइम? 6 महीने का थोड़ा कम देना चाहिए, 1-2 महीने के अंदर करा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय है बचा नहीं है, जो कि अब जॉब छोड़ के हम लोग काम तक पढ़ने आए हैं, अब इतना समय है नहीं कि हम फिर से तैयारी 6 महीने अपने कंटिन्यू कर पाएंगे। हम लोग की अपने भी कुछ मजबूरी है जो हम सबसे शेयर नहीं कर सकते, उसके लिए कोई नियम बनाना चाहिए। अब वो बस की किराया वगैरह वगैरह माफ कर दें, उससे कुछ होगा नहीं, कितने लोग यहाँ पर फ्री में करेंगे ट्रेवल? कह रहे हैं कि बस का किराया माफ करने से कुछ नहीं होगा, पेपर हमें कम से कम समय में करवाएं, कैसे देंगे? सबसे पहले मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, नवीन सर और एग्जामपुर के विवेक सर, इन लोगों ने बहुत कोशिश किया तब जाके रद्द हुआ, नहीं तो रद्द ही नहीं होता। उसके बाद में बच्चों का इतना संघर्ष रहा है, इतने महीने तैयारी की, उसके बाद रद्द हुआ और दोबारा 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने के अंदर फिर पेपर कराएं, क्या पता है इसका कि मतलब फिर नहीं लीक होगा। जितने लोग थे इसमें शामिल थे उन लोगों के साथ जो है जैसा करना चाहिए किया जाए, नहीं तो फिर जैसे फिर दोबारा होगा तो क्या होगा उसका कोई पता ही नहीं है। सेंटर घर के बगल दिया जा रहा है, पेट का होता है तो 600 किलोमीटर दूर देते हैं, और जिसमें नौकरी नहीं मिल रही बाद में मिल रही दूसरा पेपर देना, और उसमें घर के बगल दिया जा रहा है, ठीक है? तो कम से कम जो है पारदर्शी तरीके से कराया जाए परीक्षा, और अच्छी तरीके से हो, संपन्न हो, जो फॉर्म भरा है उसका कल्याण हो, नहीं तो फिर ऐसे करते रहेंगे, ये कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं कि पेट का जब परीक्षा होता है तो सेंटर काफी दूर कर दिया जाता है, लेकिन अब जब पेपर हो रहा है तो घर के बगल में ही सेंटर का, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, अब पेट का परीक्षा होता है गोंडा भेजते हैं, दूसरे जिले में भेज देते हैं, लेकिन ये इसका परीक्षा होता है तो बगल में सेंटर कर देते हैं, चाचा बाबा का स्कूल हो जाता है, उसके बाद नकल करवा देते हैं। अरे 6 महीने का योगी सरकार ने एक्स पे अपने एक ट्विटर पे ट्वीट किया है कि हम 6 महीने का समय मांग रहे हैं, बच्चों को 6 महीने के अंदर अंदर पेपर कराएंगे, इसको आप किस तरह से देखें? क्या वो 6 महीना आपकी तैयारी के लिए सबसे बेहतर होगा या फिर ये आपके लिए असंतोषजनक नहीं है? हाँ, हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, पेपर जो है रद्द किए, उसके बाद जो है बच्चों ने धरना दिया, काफी संघर्ष किए, लेकिन जो है पेपर तो रद्द हो ही गया है, अब इसके लिए हम मोदी जी को योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं बस। खुश हैं? हाँ हम खुश हैं, 6 महीने का समय जो है उसके लिए खुश हैं। तो ये रहे हमारे साथ कुछ छात्र जो कि यूपी पुलिस का फॉर्म भी भरे थे, उनका यही कहना है कि सीएम योगी ने अपने एक्स से जो कहा है कि 6 महीने में पेपर करना चाहिए, उसका समय और कम करना चाहिए, और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि पेट का परीक्षा होता है तो हमें 600 मीटर दूर काफी दूर दूर सेंटर दिया जाता है, लेकिन यूपी पुलिस का फॉर्म जब पेपर होने वाला है तो क्यों घर के बगल ही सेंटर बनाया जाता है? ऐसे में इनका यह भी कहना है कि अगर अब की बार से पेपर होता है तो क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा, और अगर पेपर होता है तो पारदर्शी तरीके से कराया जाए। HNN न्यूज के लिए ज्योति जसवाल, अयोध्या। वहीं सिगरा स्टेडियम पूरी तरह ग्रीन ऊर्जा पर आधारित होगा, स्टेडियम की बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, इससे करीब 150 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। यहां कानपुर की पालिका स्टेडियम से भी बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आपको बता दें कि स्टेडियम की डिजाइन 1.5 साल में तैयार हुई थी, ये जानकारी सिगरा स्टेडियम का निर्माण करने वाली कंपनी के डायरेक्टर प्रणव अग्रवाल ने दी। प्रणव अग्रवाल ने कहा कि उनकी कंपनी को सितंबर 2020 में काम मिला और 17 मार्च 2022 में डिजाइन पर फाइनल मुहर लगी। खेल मंत्रालय और अन्य विभागों से मिले सुझाव को शामिल कर स्टेडियम में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू किया गया है। स्टेडियम में ओलंपिक मानकों का ध्यान रखते हुए खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्विमिंग पूल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखते हुए 15 लेन का निर्माण किया गया है। काम को तेजी मिलाने के लिए स्टील के जरिए काम करने पर सहमति बनी, इससे प्रदूषण नहीं होता है और आंतरिक बनावट में बदलाव करने में आसानी होती है। घर में पूजा का कमरा और कमरे में पूजा घर आम है, लेकिन वन विभाग की पहल अब इसे खास बनाने जा रही है। अब आप बांस का बना गोरखनाथ मंदिर भी अपने पूजा घर में लाकर उसमें अपनी आस्था और आराध्य को स्थापित कर सकेंगे। प्रयोग के तौर पर सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर की शक्ल में बांस का मंदिर बनाया गया है। इससे जहाँ एक तरफ आपके पूजा घर की रौनक बढ़ेगी तो वहीं ODOP योजना से जुड़े कारीगरों को रोजगार की खनक भी मिलेगी। शासन की तरफ से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए जिले के कैंपियरगंज में ODOP के तहत बैम्बू मिशन की शुरुआत की गई थी। बैम्बू मिशन के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोले जाने और इसे संचालित किए जाने का जिम्मा स्वयं सहायता समूह को दे दिया गया। प्रशिक्षण के बाद यहां समूह की महिलाएं बांस से बने उत्पाद तैयार करती हैं और उन्हें शहर के ODOP स्टॉलों पर सजाया जाता है।
डीएफओ विकास यादव ने पिछले हफ्ते स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर को तैयार करने की इच्छा जताई। मंशा थी कि अगर महिलाएं इसे मूर्त रूप से तैयार कर सकें तो इस प्रयोग को बाजार के सहारे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। इसकी सफलता के बाद अयोध्या के प्रभु श्री राम जी के मंदिर को भी तैयार करवाया जाए। इससे देश विदेश में लोग गुरु गोरखनाथ और प्रभु श्री राम मंदिर को अपने घर मंगवा सकेंगे और अपनी आस्था को स्थापित कर सकेंगे। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत कपिलवस्तु के सोनबरसा में अवैध कब्जे में फंसी सरकारी स्वामित्व की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई अब जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में नगर पंचायत और प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया, लेकिन ध्वस्त करते समय एक व्यक्ति का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बताते चले कि नगर पंचायत के अधिकारियों की मनमानी से वैध तरीके से बने मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। जबकि एक तरफ योगी सरकार गरीबों के लिए पक्के मकान बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की मनमानी देखी जा सकती है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि पहले से हमें कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो बगैर कोर्ट के फैसले के कैसे मकान गिराया गया। हम चाहते हैं इसकी जाँच हो और अगर ये गलत है तो कार्रवाई हो, अन्यथा जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वर्डपुर नगर पंचायत में जो है 200-250 ऐसे मकान हैं जो पोखरे के भीटे पर बने हैं, बंजर में बने हैं, गांव समाज में बने हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केवल मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। इस नंबर में 2267/2775 में 4 कब्जेदार हैं, जिसमें केवल 2 पर कार्रवाई हुई है, 2 को छोड़ दिया गया है। जयंत्री प्रसाद को छोड़ दिया गया है, असरार को छोड़ दिया गया है। अब ये तो प्रशासन जाने, प्रशासन पक्षपात कर रहा है और क्या, नहीं गिराना। एक नंबर में जो इतने मकान बने हुए हैं तो सबको ध्वस्त करना चाहिए। ये तो प्रशासन आधा माने उसी पक्षपात की कार्रवाई कर रहा है कि एक आदमी का मकान गिराया जा रहा है, 2 आदमी का छोड़ दिया जा रहा है। वहीं आजमगढ़ के मंदूरी एयरपोर्ट से 2 मार्च से उड़ान की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत विकसित मंदूरी एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने की कवायद शासन स्तर से तेज हो गई है। संभावना है कि पहले चरण में 2 मार्च को अलीगढ़ से आजमगढ़ के लिए विमान उड़ान भरेगा। उधर शासन से भी 2 मार्च तक मंदूरी एयरपोर्ट को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए निर्देश मिला है। सपा सरकार ने 2005 में मंदूरी हवाई पट्टी का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद इसका निर्माण हुआ था। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी योजना में इसे शामिल किया। अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही मंदूरी हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। साल 2019-20 में ही इसका निर्माण पूरा होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते रनवे विस्तारीकरण आदि कार्य समय से पूरा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि 20 करोड़ से अधिक लागत से बनने वाले एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं हमीरपुर में मोरंग से भरा अनियंत्रित ट्रक भभौरा मोड़ पर बाइक सवारों को रौंदता हुआ खड्डे में जा गिरा। इस दौरान बाइक सवार भी खड्डे में ट्रक के नीचे दब गया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल भिजवाया, जिसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के भभौरा गांव निवासी शैलेश अपने साथी ब्रिजेश कुमार को साथ लेकर बिना हेलमेट लगाए बाइक से शनिवार शाम करीब 7 बजे देवगांव से भभौरा की तरफ जा रहा था। तभी भभौरा मोड़ पर पत्योरा खदान से बालू लाद कर आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें रौंद दिया और वो खड्डे में जाकर पलट गया। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। रॉबर्ट्सगंज में कार्यालय खोलकर बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन पूजन के साथ रॉबर्ट्सगंज नगर के शुभश्री मैरिज हॉल में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन लोकसभा क्लस्टर प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने फीता काट कर किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष नंदलाल ने आए हुए मुख्य अतिथि का अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, पार्टी कार्यकर्ता हर बूथ पर प्रचंड जीत का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कार्यालय अब सभी चुनावी गतिविधियों का केंद्र होगा। अब की बार 400 के पार के नारे को साकार रूप देना है।
उन्होंने आगे कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं का काम अब चुनाव में घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने का है। मोदी जी ने हमें जीतों का मंत्र दिया है, मोदी की गारंटी पर जनता मुहर लगाएगी। देश के सारे नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, प्रश्न पूछा सारे लोगों से कि क्या किसी लोकसभा में प्रत्याशी घोषित हुआ, तो किसी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हो चुका है, कमल हमारा प्रत्याशी है और पार्टी की जो रणनीति है चुनाव को लेके, हमारी सारी संगठन की तैयारियां हो चुकी हैं। प्रत्येक लोकसभा का अपना एक कार्यालय हम लोग का खुलना था, उसी कड़ी में आज सोनभद्र में, रॉबर्ट्सगंज में आज हमारा ये कार्यालय खुला है। प्रत्याशी पार्टी जिसको बनाएगी, अपना हो सकता है, सहयोगी दल का हो सकता है, यह निर्णय पार्टी को करना है। लेकिन हम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन है, आपने देखा कि चुनाव के दृश्य से लोकसभा प्रभारी, हमारे विधानसभाओं के लोकसभा संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी संयोजक, जो जिले के प्रभारी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, सारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, तो ऐसे करके पूरा संगठन अब एकदम चुनाव के मोड में है। चुनाव की तैयारियां बैठकें हमारी लगातार चल रही हैं। कार्यालय एक ऐसा कार्यालय हम लोग को चाहिए था जिसमें सब लोग एक साथ बैठ सकें, मीटिंगें हो सके, तो इसलिए कार्यालय का जो प्राविधान पार्टी की तरफ से किया गया था, उसी कड़ी में आज यहाँ कार्यालय खुला है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।